वीडियो लाइक जरूर कर और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे, जरूर कर सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट हैं ध्यान है नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आज की क्लास में हम आर ओ आर ओ परीक्षा और पीसीएस परीक्षा के लिए बात करेंगे टॉप 300 एमसीक्यू यूपी करंट स्पेशल के तो यहां से आपको पेपर में यूपी स्पेशल का सवाल जरूर मिलेगा ये यूपी से जुड़े हुए टॉप थ्री हंड्रेड करंट अफेयर हैं जल्दी से इनको हम देखते हैं और यहां से आपको पेपर में सवाल मिलेगा ही मिलेगा साथियों और ये जो हमारा वीडियो रहेगा बायलिंगुअल रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में तो कोई चिंता वाली बात नहीं है चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा कथन सही है हाल ही में सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पास हो गया है दूसरा स्टेटमेंट फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे है फिरोजाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन करेक्ट है तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दोनों ही इसमें करेक्ट है पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ रिसेंटली इन अ कैंपेन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टेन ईयर ओल्ड स्टूडेंट वैष्णवी मिश्रा वाज मेड अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑप्शंस आर नोएडा गोंडा चंदोली और मीरठ हाल ही में किसे जिले में मतलब किस जिले में एक अभियान में दस वर्षीय छात्रा वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया कहाँ की है ये तो ये है गोंडा की ऑप्शन बीस करेक्ट ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पच्चीस दिसंबर 2003 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन दो शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है बताइए इसका आंसर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये और पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना क्योंकि पहला ही है ऑप्शन है आगरा टू मथुरा मथुरा टू अयोध्या अयोध्या टू वाराणसी और आगरा टू प्रयागराज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए आगरा टू मथुरा ठीक है देखिए नीचे लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की इसके तहत आगरा जिले के बटेश्वर से मथुरा जिले के गोवर्धन के बीच उड़ानें संचालित की जाएंगी साथ ही में साथ ही सीएम योगी ने आगरा व मथुरा के बीच हॉट एयर बैलून सेवा की भी शुरुआत की है इसके अलावा वृंदावन में ऑलरेडी जो है जो स्पोर्ट जो एयर स्पोर्ट एडवेंचर होते हैं वो ऑलरेडी चली रहे हैं है ना पैराग्लाइडिंग वगैरह ऑलरेडी चली रही है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर इनमें से आपको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है देखिए ऑन दिसंबर 23 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवील्ड अ 51 फीट हाई स्टैचू ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन बिलारी मुरादाबाद सेकंड ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है अविनाश वरुण अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर हैज क्रिएटेड अ ग्रीन लैंड माइन अलार्म डिवाइस टू प्रोडक्ट क्रॉप फ्रॉम एनिमल तो दो स्टेटमेंट है बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है तो अगर मतलब सॉरी इसमें आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है तो देखो ये दोनों ही करेक्ट है तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है ऑप्शन डी इज करेक्ट ना तो एक ना ही दो ये दोनों ही सही है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह की इक्यावन फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है बिलारी मुरादाबाद में और दूसरा यूपी के एक छात्र जिनका नाम है अविनाश वरुण उन्होंने जानवरों को फसलों से मतलब जानवरों से फसलों को बचाने के लिए एक ग्रीन लैंड माइन नंबर फाइव अठारह दिसंबर दो हजार तेईस को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमरा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया तो स्वरवेदा महामंदिर ये किसने इनोग्रेट किया है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फाइव ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू जगदीप धनखड़ योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर है इसका साथियों ऑप्शन सी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ठीक है ये देख लीजिए स्वरवेद मंदिर का निर्माण विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल महाराज की ओर से कराया गया है ध्यान रखना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सिक्स देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिसंबर 2023 में खबरों में रहे अयोध्या अयोध्या जंक्शन से जंक्शन और एयरपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है पहला उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है पहला दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर

रिलीज इन डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यूपी हैज ओवरटेकन विच स्टेट इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर ऑप्शन आर महाराष्ट्र बिहार गुजरात एंड एम पी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी गुजरात ठीक है ध्यान रखना अभी जो है पंजीकृत निवेशकों के मामले में हम आगे निकल चुके हैं गुजरात से ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट फिर से अयोध्या के बारे में एक स्टेटमेंट है अयोध्या से सवाल पेपर में आएगा ही आएगा यह बात तय है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है ठीक है तो यह काफी हेल्प करेगा आपको आर ओ आर ओ में बीओ में और पी सी एस में यहां से अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे देखो पहला स्टेटमेंट है तीस दिसंबर दो हजार तेईस को पीएम मोदी ने रामनगरी अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का उद्घाटन किया और दो नई अमृत भारत व छह नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई दूसरा स्टेटमेंट अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन 240 करोड़ रुपए की अधिक अधिक से लागत मतलब 240 करोड़ रुपए की अधिक लागत से विकसित किया गया है और तीसरा स्टेटमेंट देखिए अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग के लिए आई यानी ग्रीन इंडियन ग्रीन, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है तो देखो सभी करेक्ट है पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है तीसरा भी करेक्ट है तो ऑप्शन डी इसका सही है आगे देखो क्वेश्चन नंबर ऑन दिसंबर एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस एंड डेडिकेटेड इट टू द सर्विस ऑफ द नेशन इन वाराणसी उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेयर विल दिस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन ये जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये जो 18 दिसंबर 2023 को जिसको हरी झंडी दिखाई गई है चलिए देखते हैं सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी टू न्यू दिल्ली। तो जो है अब जो नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ये जाएगी वाराणसी से नई दिल्ली चलिए आगे बढ़ते हैं ये भी देख लो एस्ट्रा फैक्ट है पांच फरवरी दो हजार को भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई थी आगे बढ़ते हैं गलत कथन का चयन करना है चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की जाएगी ठीक है हाँ दूसरा पच्चीस दिसंबर दो हजार तेईस को पंडित मदन मोहन मालवीय की एक सौ बासठवीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के ग्यारह खंडों की प्रथम संक... प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है तो मैं आपको बता दूं कोई गलत नहीं है पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई गलत नहीं है दोनों ही सही है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नाम की एक नई गौशाला बनाई जाएगी तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मनोरथा क्या है ये पेपर में आ सकता है तो ये है क्या ये है एक नई गौशाला शेल्टर होम ऑप्शन है कानपुर बाराबंकी अयोध्या लखनऊ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ आप यहां देख सकते हो लखनऊ के महापौर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की गौ पर्यटन नीति के तहत लखनऊ के उत्तर गांव में बत्तीस दशमलव तीन करोड़ रुपए की लागत से इस गौशाला का निर्माण किया जाएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बारह दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया ठीक भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य पहले नंबर पे कौन है महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु या छत्तीसगढ़ तो अभी जो है यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है आपको बताना है पहला पहला है महाराष्ट्र ठीक है ध्यान रखना यहां पर आप देख लो भारत की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य कौन कौन से हैं जीडीपी के अकॉर्डिंग ये डेटा पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र जीडीपी में 15.7 पॉइंट परसेंट के हिस्सेदारी के साथ सेकंड नंबर पे अब पर नाइन पॉइंट टू परसेंट के साथ थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है 9.1 परसेंट के साथ फोर्थ नंबर पे गुजरात है 8.2 के साथ और फिफ्थ नंबर पे है पश्चिम बंगाल 7.5 के साथ तो ये आपको याद रखना है आगे देखिए 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने की मंजूरी दे दी है ऑप्शन है पंद्रह सत्ताईस इकतालीस सत्तावन तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन डी सत्तावन तो सत्तावन जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने की मंजूरी योगी गवर्नमेंट ने दे दी है आगे देखो नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने पहला स्टेटमेंट देखेंगे प्रदेश के ऑपरेशनल होटलों और रिजॉर्ट के स्टार वर्गीकरण की मंजूरी के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू कर दी बेसिकली होटल्स को स्टार दिए जाते हैं ना थ्री स्टार होटल है फोर स्टार होटल है फाइव स्टार होटल है तो आपने खूब सुना होगा फाइव स्टार होटल है वही की बात हो रही है उसी की बात हो रही है दूसरा स्टेटमेंट है कि यह प्रणाली राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगी अब बताना इनमें से कौन सा कथन सही है तो देखिए दोनों ही कथन सही है बोथ वन एंड टू आर करेक्ट दोनों ही सही है इनमें से कोई गलत नहीं है तो ध्यान रखना अब न्यू स्टार पॉलिसी जो है मतलब न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिए उत्तर प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ बनाया जाएगा दूसरा यानी पहला ऑलरेडी है देखिए सही जवाब है इसका मुरादाबाद ध्यान रखना तो यूपी में दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट हम कहां बना रहे हैं मुरादाबाद में बना रहे हैं पहला कहां पर है ध्यान रखना पहला है चंदोली में और दूसरा हम लोग बना रहे हैं कहां पर मुरादाबाद में ऑप्शन बी ध्यान तो रखना एशिया सेकंड लार्जेस्ट फिश मार्केट विल बी सेटअप इन इन यूपी मतलब यूपी इन uh, मुरादाबाद okay? ओके ध्यान रखना आगे 31 दिसंबर दो हजार 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गोरखपुर में कितने हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया सात तेरह उन्नीस तेईस प्रश्न नंबर सोलह सही जवाब है इसका 19। तो 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया योगी जी ने गोरखपुर में आगे देखो नवंबर 2023 की जारी रैंकिंग के अनुसार सरकारी योजनाओं को लागू कराने में निम्नलिखित में से किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग रिलीज इन नवंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टज सिक्योर्ड अ टॉप पोजिशन इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स ऑप्शन देख लीजिए अंबेडकर नगर मुजफ्फरनगर गोरखपुर या ए और बी दोनों सही जवाब जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों यानी अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर दोनों को ही पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोनों ने ही फर्स्ट पोजिशन सिक्योर किया है ठीक है यहां पर कुछ और एडिशनल डेटा दिया हुआ है इसको आप पढ़ लो देखिए मुजफ्फरनगर जिले को 77.2 परसेंट अंकों के साथ पहले स्थान पर रखा गया है वहीं वहीं 76.6 परसेंट अंक के साथ एटा तीसरे स्थान पर है ठीक है तो अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर का दोनों का रैंकिंग सेम है और तीसरे नंबर पे आता है एटा एटा हमारा पड़ोसी स्टेट मतलब हमें कह रहा हूँ स्टेट हमारा पड़ोसी जिला ही है बिल्कुल बिल्कुल पाजीम है यार एटा तो आगे देखो इनमें से कौन सा कथन सही है एक दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी छात्र हर्ष श्रीवास्तव की रिसर्च में अंडमान निकोबार से एक किलोमीटर दूर नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए दूसरा दो दिसंबर 2023 को दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित छठे टाफ्ट वन्यजीव पर्यटन पुरस्कारों में पर्यावरण और वन्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को तीन पुरस्कार मिले अब बताना इनमें से कौन से सही हैं? तो इनमें से ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है ध्यान रखना पीएचडी छात्र हर्षद श्रीवास्तव को जो यूपी के ही हैं, इनको नारकोड में मिले हैं तेल और गैस के संकेत आगे देखो अच्छा ये भी देख लो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव टूरिज्म पोटेंशियल के लिए साखल दिया गया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैला साखल कौन थे टाइगर मैन ऑफ इंडिया आगे देखो दिसंबर 2023 हजार तेईस में नबोघाट का उद्घाटन किया गया प्रयागराज अयोध्या वाराणसी इनमें से कोई नहीं तो लॉजिक से हो जाए खैर सही जवाब है वाराणसी वाराणसी में उद्घाटन किया गया नमो घाट का ध्यान रखना नमो घाट देश में जल थल नव परिवहन जैसी सेवाओं सेवाएं देने वाला पहला घाट होगा ठीक है और नमो जो है ये संभवता मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी के नाम से ही है और वही उनकी जो है संसदीय क्षेत्र है वाराणसी आगे देखो तेईस वर्षीय स्काई डाइविंग अनामिका शर्मा ने तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर भगवान श्री राम का ध्वज लहराकर इतिहास रच दिया अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस शहर की निवासी हैं अयोध्या प्रयागराज बिहार या उत्तराखंड तो यार उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो बिहार उत्तराखंड तो वैसे वो चले गए दो ही बचे अयोध्या और प्रयागराज तो बीस का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी प्रयागराज ठीक है यहाँ पर आप देख लो प्रयागराज की स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने तेरह हजार फीट की ऊंचाई पर भगवान श्रीराम का ध्वज लहरा कर इतिहास रच दिया ठीक है ये इन्होंने बैंकॉक में किया था ध्यान रखना आगे देखो पंद्रह दिसंबर दो को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्याधु, आ, अत्याधुनिक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण कहाँ किया है लखनऊ गोरखपुर कानपुर आगरा ट्वेंटी वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी गोरखपुर ध्यान रखना गोरखपुर में इनोग्रेट किया गया है एक न्यू क्रूज जिसका नाम है लेक क्वीन ध्यान रखना ठीक है आगे देखिए अच्छा ये भी है ये देख लो कहां पर है गोरखपुर के रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुध युक्त क्रूज लेक क्वीन का उद्घाटन किया गया आगे देखो दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है भाई स्मिता उत्तर प्रदेश के किस शहर की निवासी हैं प्रयागराज लखनऊ ग्रेटर नोएडा कानपुर अब आप देख लो यार मतलब बाल बढ़ाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है यार कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है यूपी में आप इसी से अंदाजा लगा लो चलिए फिलहाल इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रयागराज प्रयागराज की है ये स्मिता श्रीवास्तव और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है सबसे लंबे बालों का इनके बालों की लंबाई कितनी है वो भी देख लो यार इनके बालों की लंबाई है सात फीट नौ इंच तो सात फीट नौ इंच लंबे बाल हैं मतलब इनके बाल जब ये चलती होंगी तो ज़मीन से टच हो जाते होंगे ऑब्वियस बात है सात फीट के हैं तो ज़मीन से टच हो ही जाएंगे और इनकी एज है छियालीस साल तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है मतलब बड़ी बात है यार मानना पड़ेगा आगे देखो यो उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के लिए कितने सरकारी कॉलेजों में छात्रों को ई बुक्स और ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी ई लाइब्रेरी मतलब उसमें किताबें नहीं होंगी इंटरनेट मिलेगा उसको आप यूज करिए ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नाइन्टी टू उच्च शिक्षा विभाग बानवे सरकारी कॉलेजों में छात्रों को ई बुक्स और ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपया खर्चा करेगा ठीक है आगे देखो क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नवंबर दो हजार तेईस में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और में उस पर जीएसटी लगेगा कट कर आपको रुपया मिलेगा ठीक है अब कितना परसेंट लगेगा यह आपको बताना है तो इस पर जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा मैक्सिमम क्यों लगेगा इसलिए लगेगा क्योंकि जुआ कोई मूलभूत आवश्यकता तो है नहीं जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह पाओगे ये तो एक ऐसी चीज है जो आप अपने मजे के लिए खेल रहे हो तो मजे के लिए अगर जुआ खेलोगे और रुपया जीतोगे तो सरकार को भी हैवी टैक्स देना पड़ेगा और वो कितना होगा वो होगा ट्वेंटी एट परसेंट याद रखना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार कार्यालय के सभी पत्र पत्रावली फाइल का डिजिटलाइजेशन करने के लिए प्रदेश के कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी 25 तो करेक्ट आंसर है इसका पांच पांच अस्पतालों में इसको लागू करेंगे हम देख लो यहां पे उत्तर प्रदेश के पांच अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी जिनमें कौन कौन से हैं संजय गांधी पीजीआई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जी कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान तथा कानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था लागू की जाएगी आगे देखो सात से नौ नवंबर दो हजार तेईस तक उत्तर प्रदेश में बदलापुर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है बदलापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको है आपको बताना है ट्वेंटी सिक्स तो बदलापुर आपको मिलेगा जौनपुर में ठीक है यहां पर आप देख सकते हो जौनपुर में बदलापुर महोत्सव होता है चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को मास रहित नॉन वेज डे मनाने की घोषणा की है बाबा जी हैं तो बाबा जी काम करेंगे ही तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो है 25 नवंबर 25 नवंबर ही क्यों उसको आप देख लो यहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु टी एल वासवानी की जयंती को ये लिखा हुआ है साधु टी एल वासवानी की जयंती पर 25 नवंबर को मास रहित दिवस नो नॉन वेज डे मनाने की घोषणा की है तो यह आपको स्पेशल पता होना चाहिए कि यह जो हमने 25 नवंबर को नो नो नॉन वेज डे मनाने की घोषणा की है यह किसके ऊपर की है तो यह हमने की है टी एल वासवानी के ऊपर ध्यान रखना 28 नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है भारत का पहला सीएनजी फ्लोटिंग स्टेशन कहां पर है तो वाराणसी में खुला है दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का मतलब हो गया कि गंगा नदी में है बेसिकली तो वहां पर जो जहाज आएंगे जो स्टीमर वगैरह आएंगे उनमें आप सी एन सकते हो ये है ठीक है अब यहां पर पूछ रहा है पहला कहाँ पर है पहला आपको बताना है तो पहले का जो सही जवाब है वो है वाराणसी ठीक है यानी वाराणसी में ही पहला है और वाराणसी में ही दूसरा है यहां पर आप देख लो भारत के पहले फ्लोटिंग सीएनजी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर बनाया गया था इस स्टेशन का निर्माण गेल ने किया था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया था ठीक है आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में दिवाली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लगभग कितने लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर देने की मंजूरी प्रदान की गई पहला ऑप्शन 1.57 से, 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 से करोड़ सेकेंड ऑप्शन 1.75 करोड़ थर्ड ऑप्शन 2 करोड़ और फोर्थ ऑप्शन 2.25 करोड़ तो 29 का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी वन करोड़ ठीक है ध्यान रखना ठीक 1.75 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर देने की मंजूरी प्रदान कर दी गई थी दिवाली पर। ताकि बढ़िया दिवाली आपकी मने खाने वाने की कमी ना रहे चलिए नवंबर 2023 में अलीगढ़ के मेयर के अनुसार अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को नगर निगम ने पास कर दिया है जिस पर प्रशासन की मोहर लगना बाकी है अलीगढ़ को बदल के कर देंगे हरिगढ़ जैसे फिरोजाबाद को चेंज करने का नाम जो है अब वो चंद्रनगर हो गया है वैसे ही एक आ, आगे 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 देखिए है 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने भी अलीगढ़ को हरीगढ़ करने की बात की थी अब आपको बताना इनमें से कौन से सही है तो भाई दोनों ही ठीक है अलीगढ़ की जो नगर निगम है उसने ये प्रस्ताव पास कर दिया है कि हम इसको हरीगढ़ करेंगे इसके अलावा जो हमारे डिप्टी सीएम हैं उन्होंने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा कर दो आगे देखो चौदह से सत्ताईस नवंबर दो हजार तेईस तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दो हजार तेईस में उत्तर प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन किसने किया ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ ऑप्शन सी दुर्गा शंकर मिश्र और ऑप्शन डी ए और बी दोनों चलिए आपको बताना है सही जवाब है इसका ऑप्शन सी दुर्गा शंकर मिश्र ध्यान रखना आगे देखो उत्तर प्रदेश के किन तीन जिलों में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में बिल्कुल आ सकता है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन ए मिर्जापुर सोनभद्र और महाराजगंज में हम बनाएंगे जनजातीय संग्रहालय ठीक ये देखो उत्तर प्रदेश में पंद्रह अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं जो कि विभिन्न स्थानों पर रहती हैं इनमें भौगोलिक असमानता के साथ साथ रीति रिवाज रहन सहन खान पान इनमें भी भिन्नता पाई जाती है जिसे संरक्षित करने के लिए जनजातीय बाहुल्य जनपदों मिर्जापुर सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आपको मिल जाएगा सीधे सीधे आगे देखो आगे बताना इनमें से कौन सा सही है देखिए सत्ताईस नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ निर्माण की अनुमति दी है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही है दूसरा यह अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में कार्य करेगा साथ ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में समस्या समाधान के लिए विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करेगा यह भी सही है और तीसरा इसका निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में किया जा रहा है ये भी सही है तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही ठीक है इनमें कोई गलत नहीं है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आगे देखो थर्टी फोर एक नवंबर दो हजार तेईस को उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स के अंतर्गत मेंस डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है अरविंद उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है ऑप्शन है झांसी बुलंदशहर मेरठ और लखनऊ 34. तो 34 का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन बी बुलंदशहर बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं अरविंद सिंह अरविंद सिंह ने 2023 में एशियन गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता था ठीक चलो आगे बढ़ते हैं थर्टी फाइव उत्तर प्रदेश के संस्कृति उत्सव 2023 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक देश भर में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा दूसरा ऑप्शन इस उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम पर होगा और तीसरा इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और लोक कला को देश सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाना है अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है भाई तो इनमें से कौन कौन से सही है आपको बताना है तो थर्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है तीसरा भी ठीक है इनमें कोई गलत नहीं है आगे देखो थर्टी सिक्स नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के इटावा में बने प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किसने किया थर्टी सिक्स ऑप्शन योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल ने ब्रिजेश पाठक ने या धर्मपाल सिंह ने तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है धर्मपाल सिंह ये कौन है तो धर्मपाल सिंह जो है अच्छा ये तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है चलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं इसकी नींव जो है वो रखी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ठीक है धर्मपाल की मैं बात करूं तो ये यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं ध्यान रखना इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है आगे देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट बाइंडर द्वारा नवंबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक्स यानी ट्विटर पर देश के थर्टी सेवन 37. तो 37 का करेक्ट आंसर है दूसरा पहले नहीं है दूसरे हैं ठीक है, है ना ध्यान रखना पहले कौन है तो पहले पे आएंगे पीएम मोदी और दूसरे पे आएंगे सीएम योगी ध्यान रखना आगे देखिए थर्टी एट आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में कितने नए आश्रय ग्रहों का निर्माण कराया जाएगा तो थर्टी एट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 35 नए आश्रय ग्रह बनाए जाएंगे यहां पर आप देख लो किसके लिए बनाए जाएंगे तो उन्नीस जनपदों में बाल आश्रय ग्रहों का निर्माण कराया जाएगा जिनमें घर से भागे हुए गुमशुदा तस्करी किए हुए कामकाजी बाल भिखारियों मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों की देखभाल की जाएगी आगे देखो थर्टी नाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को भारत के पहले एआई शहर के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है अयोध्या लखनऊ झांसी कन्नौज ये आपके ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लखनऊ ध्यान रखना देश का पहला एआई शहर फोर्टी देखिए उत्तर प्रदेश में वैध्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सोनभद्र में कितने मेगावाट की नई उत्पादन इकाई अनपरा ई का निर्माण किया जाएगा फोर्टी फोर्टी का करेक्ट आंसर है सी सोलह सौ मेगावाट यहां पर आप देख सकते हैं अनपरा ई इकाई के निर्माण में करीब अठारह हजार छह सौ चौबीस करोड़ रुपए खर्च होगा इसे एन और उत्पादन निगम लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड के तहत स्थापित किया जाएगा ठीक है सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजाति तैयार करने और मछली के बीज को लेकर शोध करने के लिए कहां पर एक्वा पार्क का निर्माण कराया जाएगा एक्वा पार्क बेसिकली कहां बन रहा है एक्वा पार्क विल बी आ, बिल्ट इन ऑप्शन आर आजमगढ़ हमीरपुर गोरखपुर और लखीमपुर फोर्टी वन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोरखपुर गोरखपुर के साथ साथ यह पार्क मथुरा में भी बनेगा यह भी आपको पता होना चाहिए फोर्टी टू देखिए बरेली में रहने वाली आशी को मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर में लस्ट स्टोरी टू के लिए बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जिला जेल प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में बनकर तैयार हो गई है जिसकी क्षमता अट्ठाईस सौ कैदियों की है इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है फोर्टी टू तो फोर्टी टू में दोनों ही सही हैं ए और बी दोनों ठीक है हाँ बरेली की रहने वाली आशी को स्टोरी टू फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट पिक्चर का और नैनी जेल जो है बन गई है यूपी की चौथी सबसे बड़ी जेल फोर्टी थ्री देखिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के अनुसार बनारस की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा इस अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण पर लगभग कितने धनराशि रुपया खर्च होगा मतलब कितनी धनराशि खर्च होगी लगभग लगभग तो इस पर जो रुपया खर्च होगा वो होगा चार सौ करोड़ ध्यान रखना ठीक है हाँ और ये कहाँ बनेगा अलीगढ़ पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 300 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा 44 देखिए 11 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव 2023 के अवसर पर कितने मिट्टी के दीपक जलाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया ऑप्शन ए पंद्रह लाख छिहत्तर हजार अठारह लाख आठ हजार बाईस लाख तेईस हजार पच्चीस लाख इक्कीस हजार फोर्टी फोर फोर्टी फोर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बाईस लाख तेईस हजार हमने नए मतलब बाईस लाख तेईस बाईस लाख तेईस हजार हमने मिट्टी के दीपक जलाए और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ठीक है ये मिट्टी के दीपक जलाने का जो परंपरा है ये 2017 में तब शुरू हुई जब योगी आदित्यनाथ सरकार में आए ठीक आगे फोर्टी फाइव सत्ताईस नवंबर दो हजार तेईस को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित देव दीपावली में सत्तर से अधिक देशों के राजदूत और राजनायिकों ने भाग लिया देव दीपावली में ठीक है दूसरा ऑप्शन अठारह नवंबर दो हजार तेईस को उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों को बनाने बेचने और भंडारण पर रोक लगा दी इनमें कौन सा कथन सही है तो पहला भी स्टेटमेंट सही है दूसरा भी सही है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आगे देखें 46। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है सदन का जो शीतकालीन सत्र यह 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक चला पहला ऑप्शन दूसरा इस चार दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त वर्ष दो हजार के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया और तीसरा इस सत्र में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 6.90 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया अब इन्हें बताना है कौन सा गलत है तो मैं आपको बता दू इनमें कोई भी गलत नहीं है पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है तीनों ठीक है ध्यान रखना ठीक है वही सब जानकारी है आगे फोर्टी सेवन हाल ही में चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सिंह के बारे में सही कथन का चयन करिए नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलेखान सिंह ने, सुलेखान ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की है 47 में पहला स्टेटमेंट दूसरा बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग के साथ इन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी का का गठन किया है और तीसरा ये बांदा जिले के रहने वाले अब आपको बताना इनमें से कौन कौन से कथन सही है तो मैं आपको बता दूं इसमें केवल पहला और तीसरा ही ठीक है दूसरा स्टेटमेंट गलत है इन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है हाँ इन्होंने डिमांड जरूर की है कि बुंदेलखंड को अलग करके नया स्टेट बनाया जाए और मुझसे अगर कोई व्यक्तिगत पूछे तो ये सही भी है यार यूपी को आप देखो कितनी सारी भीड़ है यूपी में यार कितनी ज्यादा आबादी है और क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा बड़ा है इसका तो इसको जरूर दो तीन हिस्सों में बांट देना चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है इससे इन क्षेत्रों का विकास ही होगा कोई समस्या इसमें खड़ी नहीं होगी फोर्टी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किए हैं मतलब करेगी ऐसा बोला है प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बनेगा तीसरा 2025 में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में पेरिस और लंदन की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे 48, तो 48 का जो सही जवाब है वो तीनों ही ठीक है ध्यान रखना तीनों ही ठीक है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है फोर्टी नाइन देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना पहला उपग्रह कार्यक्रम विकसित कर रहा है तो फोर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन ए एमयू उत्तर प्रदेश के ए एमयू में अपना एक स्टेट नोडल सेंटर केंद्र स्थापित कर रहा है एएमयू में अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत एस एस ए सेट के नाम से अपना पहला नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में विकसित मतलब अंतरिक्ष में विकसित करने के लिए ये सैटेलाइट बनाया जा रहा है ठीक है तो ये जो सैटेलाइट बन रहा है ये कहाँ बन रहा है एएमयू में बन रहा है ध्यान रखना और लास्ट क्वेश्चन नहीं लास्ट तो नहीं है फिलहाल अभी और आगे देखेंगे देख लो इसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी तो फिफ्टी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चित्रकूट चित्रकूट में बनने जा रहा है पहला स्काई वॉक ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिए 51 वन वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला के संबंध में कौन सा कथन सही है 6 अक्टूबर 2023 को वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण एवं सतत पर्यटन विकास विषयक प्रयोगशाला का मतलब कार्यशाला का उद्घाटन किया दूसरा स्टेटमेंट इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गणना रिपोर्ट दो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का भी विमोचन किया और तीसरा तराई एलिफेंट रिजर्व देश का तो वही उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है इनमें से बताना है कौन से सही है तो फिफ्टी वन में मैं आपको बताऊं तो पहला भी सही है दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है खासकर तराई वाला आप लोग थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है तराई एलिफेंट रिजर्व ठीक आगे देखो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है यह बात हो रही है डीएफसी की डीएफसी डीएफसी मतलब डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर डीएफसी क्या होता है बेसिकली तो डीएफसी है भाइयों जो मालगाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रैक बनाए जा रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग डीएफसी ठीक है तो यहां पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है ईस्टर्न डेडिफेटेड मतलब uh, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अंतर्गत फिफ्टी टू तो फिफ्टी टू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी ध्यान रखना ठीक है पीएमओ की uh, पहल पर वाराणसी के बाहर क्षेत्र में एनसीआर की तर्ज पर विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारे को भी ईस्टर्न फ्लाइट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा ये बेसिकली क्या है ये रेल रोड है ध्यान रखना ये क्या है ये रेल रोड है डेडिफेटेड मतलब डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है आगे देखो भाई आगे फिफ्टी थ्री हाल ही में खबरों में रही रामपुर लाइब्रेरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है एक चाय की चुस्की भी ले लो भाई क्योंकि वीडियो लंबा है आ, मजा आ गया चलिए पहला है रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर सात अक्टूबर 2023 से सात अक्टूबर 2024 तक रजा लाइब्रेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है सत्रह में नवाब फैजुल्लाह खान के निजी संग्रह के रूप में यह लाइब्रेरी अस्तित्व में आई थी रजा लाइब्रेरी ठीक है 53 तो 53 का जो करेक्ट आंसर है ये दोनों ही सही हैं इनमें कोई गलत नहीं है जैसे इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है तो इनमें कोई गलत नहीं है यानी ना तो एक गलत है ना ही दूसरा यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है ये भी ध्यान रखना रजा लाइब्रेरी किसने बनवाई थी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये है कहाँ पर लोकेशन क्या है इसकी ठीक है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसकी लोकेशन क्या है रजा लाइब्रेरी कहाँ मौजूद है देखते हैं कितने लोगों को पता है काफ़ी चर्चा में रहती है आगे देखो 54 <coughs> सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया इस मेले का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू ने किया तीसरा इस व्यापार मेले में 108 नए स्टार्टअप भी शामिल हुए गलत आपको बताना है कौन सा गलत है तो भाई इनमें से कोई गलत नहीं है सभी ठीक है ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है ध्यान रखना तो इन चीजों को याद रखना यहीं से आपको पेपर में सवाल मिलेंगे फिफ्टी फाइव देखिए अक्टूबर दो हजार तेईस में प्रतापगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया है <coughs> अतु जंक्शन भिशना, बिश्नाथ जंक्शन और प्रतापगढ़ स्टेशन इनके नाम चेंज किए गए हैं इनमें से बताना है किस, किस के नाम चेंज किए गए हैं तो मैं आपको बता दूं इन तीनों के ही नाम चेंज किए गए हैं ठीक है इनके नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं क्या हुए हैं परिवर्तित गए वो भी देख लो <coughs> देखो भाई जो प्रतापगढ़ स्टेशन है इसका नाम चेंज होके हो गया है बेला देवी धाम प्रतापगढ़ स्टेशन अंतु जंक्शन का नाम चेंज होकर हो गया है मां चंद्रिका देवी धाम जंक्शन और बिश्ना बिश्नाथ जंक्शन का नाम चेंज होके हो गया है शनिदेव धाम जंक्शन ठीक है ध्यान रखना <coughs> आगे देखिए किस शहर में 700 करोड़ रुपए की लागत से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है 56. तो करेक्ट आंसर है इसका मेरठ मेरठ में बन रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आ सकता है चलिए भाई आगे देखते हैं। गला थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है यार 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम आर का उद्घाटन किया इस रेल सेवा का नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है प्रथम चरण में इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच होगा जिसकी लंबाई सत्रह किलोमीटर है इनमें से बताना है कौन सा सही है तो मैं आपको बता दू फिफ्टी सेवन में केवल दो और तीन ठीक है याद रखना केवल दो और तीन ठीक है फिफ्टी सेवन में जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है ठीक ध्यान रखना गलत क्यों है तो गलत इसलिए है क्योंकि इसका उद्घाटन जो है योगी जी ने नहीं किया इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है चलिए आगे बढ़ते हैं 58 अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगे डॉल्फिन को राज्य का जली जीव घोषित किया दूसरा 8 अक्टूबर दो हजार तेईस को केंद्रीय वित्त मंत्री ने वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी के उद्घा मतलब आईआईटी के आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया 58 का बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है ध्यान रखना ठीक कोई गलत नहीं है फिफ्टी नाइन देखिए उत्तर प्रदेश के पहले नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किस शहर में किया जा रहा है फिफ्टी तो ध्यान रखना नौसेना का पहला शौर्य संग्रहालय बनाया जा रहा है लखनऊ में ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के पास इसको बनाया जाएगा बनाने में करीब करीब तेईस करोड़ का खर्चा आ रहा है क्वेश्चन नंबर साठ देखो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के अंतर्गत चल रहे चौथे चरण के रूप में गोंडा में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा अक्टूबर दो में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित की ये तो हमने अभी पढ़ा था यह भी सही है दोनों ही सही है कोई गलत नहीं है ऑप्शन डी इकसठ देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी जा रही है ये रखी जा रही है साथियों चित्रकूट में ध्यान रखना 62 देखिए किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा गोरखपुर लखनऊ कानपुर गाजियाबाद तो 62 का करेक्ट आंसर है गोरखपुर और चूंकि यार बाबा जी गोरखपुर के हैं तो ज़्यादातर योजना वोजनाएं जो नई नई चीज़ें बन रही हैं या तो गोरखपुर में, बन, नहीं में बन, नहीं बन रही है लखनऊ में बन रही हैं ज़्यादातर वहीं बन रही हैं बाकी हमारे जैसा जो ज़िला है कासगंज यार इसमें तो कभी कुछ होता ही नहीं है पता नहीं क्यों नहीं होता जबकि अच्छा खासा ज़िला है ज़मीन भी है बट पता नहीं अब शायद हमारे कासन से कभी कोई बड़ा नेता बनेगा तो करवाएगा वरना हम तो तब तक ठंडन गोपाल आगे देखो 63, भारत का तीसरा जेरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलेशन सेंटर बनाया जा रहा है कहां पे? तो ये बनाया जा रहा है वाराणसी विश्वविद्यालय में वाराणसी के विश्वविद्यालय ठीक तो देख लो वाराणसी के विश्वविद्यालय में देश का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है ठीक तीसरा दो ऑलरेडी बने हुए हैं पहला बना है एम्स दिल्ली में और दूसरा एम्स मद्रास में चेन्नई 64 देखिए श्री अन्न के संबंध में कौन सा कथन सही है देखो सत्ताईस से उन्तीस अक्टूबर दो हजार तेईस को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन दिवसीय श्री अन्न महोत्सव तथा राज्य स्तरीय मिलिट्स कार्यशाला का आयोजन किया गया क्या ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट सही है दूसरा इसका शुभारंभ मोदी जी ने किया नहीं ये गलत है और तीसरा इस इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में बाजरा की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों को जागरूक करना था यह भी सही है तो पहला और तीसरा सही है ऑप्शन सी ठीक है और इसका उद्घाटन जो है मोदी जी ने नहीं किया था ध्यान रखना 65 देखिए 65 इनमें से बता रहे तो पहला देखिए अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निवेश के आंकड़ों का संकलन करने वाली एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको बन गया है सही बात है बिल्कुल करेक्ट बात है और वर्तमान में एक से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद है जिनमें आठ यूपी के हैं यह भी सही है तो पहला और दूसरा दोनों सही है ऑप्शन सी ठीक यहां पर आप देख लो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 2025 तक 10,000 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 2023 के मध्य तक ये लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है 2025 तक हमें 10,000 स्टार्टअप बनाने थे बट हमने ये टारगेट को 2023 के मिड में यानी जून तक ही इसको कंप्लीट कर लिया है 66 देखिए कौन सा कथन सही है आपको बताना है छियासठ छियासठ में तो जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन नल कनेक्शन देने में यूपी का पहला स्थान है भारत में सही बात है अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अगस्त सितंबर माह की जारी रैंकिंग के अनुसार पढ़ाई लिखाई और अनुशासन जैसे मानकों पर पूर्वांचल के सरकारी स्कूल अव्वल रहे ये भी सही है तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है ये जो क्वेश्चन है ये बीईओ में स्पेशली आपसे पूछा जा सकता है ठीक कुछ एडिशनल डेटा है यूपी ने एक करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार पैंसठ हजार मतलब मतलब सत्तावन हजार पैंसठ एक करोड़ साठ लाख सत्तावन हजार पैंसठ गांव में मतलब ग्रामीण परिवारों में शुद्ध जल से शुद्ध जल पहुंचा दिया है सिक्सटी सेवन देखिए कौन सा कथन ठीक है इसमें आपको बताना है सिक्सटी सेवन तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आ सकता है ऑपरेशन ब्लैक जिराफ ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया है यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने के लिए और दूसरा ये सही है आठ अक्टूबर दो को भारतीय वायुसेना के इक्यानवे स्थापना दिवस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो का आयोजन किया गया यह भी सही है तो पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है देखिए इनमें बताना है कौन से सही है सितंबर 2023 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दो दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को दो पुरस्कार दिए सही बात है उत्तर प्रदेश को पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने और ग्रीन चैनल भुगतान करने की शुरू करने के लिए मिला है और दूसरा जो अवार्ड मिला है वो है आभा स्कैन और टोकन जनरेटर के लिए ये भी सही है और तीसरा उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया ये भी सही है तीनों ही ठीक है कोई स्टेटमेंट इनमें गलत नहीं है आगे देखो इकतीस जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की किस जयंती के अवसर पर वाराणसी के लम्ही में महोत्सव का आयोजन किया गया मैं आपको बता दूं मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लम्ही जिले में ही हुआ था मतलब मतलब जिला नहीं है एक जगह है छोटा सा कस्बा कह सकते हैं गांव कह सकते हैं यहां पर इनका जन्म हुआ था और ये जो है इनकी एक जयंती है तो आप ये भी पता कर सकते हो ये कब पैदा हुए आगे देखो भाई भारत ड्रोन शक्ति 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया और दूसरा इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था सेवनटी तो इनमें से पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है ध्यान रखना दोनों ही सही है ऑप्शन सी सेवेंटी वन देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ कहाँ किया है तो यार जहां पर सीएम होंगे वहीं पर तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर होगा मुख्यमंत्री कहा बैठते हैं लखनऊ में तो यही होगा कहां पर हुआ है लखनऊ में तो श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन में हुआ है ध्यान रखना आगे देखो उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है मतलब देश का नहीं भारत मतलब यूपी का पहला हवाई अड्डा बन गया है 72 टू तो इसको हमने ऊपर भी पढ़ा था यह है प्रयागराज का बमरौली ठीक है सौर ऊर्जा से चलेगा सेवेंटी थ्री देखिए 12 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई ठीक है ये स्टेटमेंट सही है दूसरा सितंबर 2023 में नेपाल के दौरे पर गए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने चार मतलब चार शिक्षण संस्थानों के साथ एमओ यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंगे बोलते हैं यह साइन किया है यह भी सही है तो पहला भी ठीक है इसमें दूसरा भी ठीक है ध्यान रखना कोई गलत नहीं है ठीक है हाँ यहां पर आप देख लो इस समझौते के साथ ही लुम्बनी प्रावधिक विश्वविद्यालय और राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ दोनों देशों के बीच एकेडमिक एक्सचेंज को लेकर मंथन किया गया <coughs> भारत और नेपाल के इस एमओयू के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में भारत नेपाल लैब की स्थापना होगी जिससे इन दोनों के संबंध हमारे और नेपाल के संबंध बढ़िया होंगे और वैसे भी यूपी के साथ तो नेपाल का बहुत अच्छा संबंध है आगे देखो उत्तर प्रदेश के पिछहत्तर जिलों में से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सत्तावन जिलों को चयनित किया जाएगा ठीक है ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं सेवेंटी फाइव देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर वरुणा नदी को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर सजाने का फैसला लिया है तो ये तो सवाल यूपी स्पेशल का है और आसान भी है पेपर करके पूछा जाता है कि वाराणसी किन नदियों के संगम पर है तो ऐसा तो नहीं है वाराणसी जो है और असी नदियों के संगम पर है और असी इन्हीं दोनों को तो मिलाकर बना है वाराणसी तो वरुणा कहां पर होगी वाराणसी में होगी देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य संस्थान हृदय ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान होगा सेवेंटी तो सिक्स का करेक्ट आंसर है संजय गांधी पीजीआई, ठीक है ध्यान रखना ये जो है पहला हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करने वाला संस्थान होगा आगे देखिए ग्रेटर नोएडा के जेबर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सितंबर 2023 में तीन अक्षरों का कौन सा कोड जारी किया है तो यह जारी किया है ए डी एक्स एन डी एक्स एन का कोड दिया गया है किसको यह दिया गया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ध्यान रखना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगे देखिए सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 प्रतिशत गांव में ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है तो 78 का करेक्ट आंसर है अपना यूपी उत्तर प्रदेश ध्यान रखना यूपी ने राज्य के सभी पंचानवे हजार सात में शत प्रतिशत ओ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया इसका मतलब यह है कि आप कोई भी खुले में सोच नहीं कर रहा लेकिन ये सच्चाई नहीं है यार खुले में सोच अभी भी चल रहा है क्योंकि ये जो सारे के सारे जो आपके सर्वे होते हैं ये कागज़ों पर ही चलते हैं यार मैं भी एक तरीके से गांव से ही बिलोंग करता हूं तो हम तो देखते हैं यार लोग खूब जो है खुले में शौच करते हैं को, कोई रोक नहीं पाएगा यार इसको आप नहीं रोक सकते सरकार कितना भी प्रयास कर ले जब तक लोग इसको खुद से बंद नहीं करेंगे तब तक ये रुकेगा नहीं आप कुछ भी कर लेना तो ये ये थोड़ा सा जो है आपको यहाँ देखना है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है कागजों पर चल रहा है अब चूँकि ये है सरकार कागजों पर ही काम करती है आपको भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद कागज़ ही इधर उधर करने हैं तो फिर वही मानना पड़ेगा हमें फिलहाल यूपी जो है प्लस घोषित हो गया है ये देखो। सितंबर दो हजार तेईस में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छा, छात्राओं के लिए किस आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है सेवेंटी तो सेवेंटी नाइन का करेक्ट आंसर है यूपी जो है ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरिट के आधार पर जो है छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है यानी अब आपको तभी छात्रवृत्ति मिलेगी जब आपके पिछली क्लास में साठ अंक होंगे ऐसा नहीं है कि आपको आता जो है कुछ भी नहीं है और आपको चाहिए छात्रवृत्ति फ्री में तो ऐसा नहीं है आपको पढ़ाई करके दिखानी पड़ेगी गवर्नमेंट को पढ़ाई करोगे तो फिर गवर्नमेंट देगी आगे देखो उत्तर प्रदेश निम्नगित में से किस राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित होने जा रही है क्वेश्चन नंबर एट्टी एटी का करेक्ट आंसर है हरियाणा हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूपी में दो सौ करोड़ से दो करोड़ से ज्यादा का निवेश कर अपनी 50 परसेंट से ज्यादा यूनिट स्थापित करने की तैयारी में है यानी हरियाणा में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी यानी जो कपड़े का व्यापार था अब यूपी में स्टैब्लिश होने जा रहा है और इसके लिए करीब करीब करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये टेक्सटाइल कंपनीज इन्वेस्टमेंटाइल कंपनी एटी वन देखिए किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक से चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देशी तकनीक विकसित की गई है एटी वन तो ये है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर इसने क्या है एक तकनीक के माध्यम से ऊर्जा मिलों में जो चीनी मिल है उनमें ऊर्जा संरक्षण की एक नई तकनीक को विकसित किया है एटी टू देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक सौ सत्तर करोड़ वर्ष पुराना ग्लोकोनेटिक सैंडस्टोन मिला है ग्लोकोनेटिक सैंडस्टोन ये कहाँ से मिला है भैया तो एक सौ करोड़ साल पुराना यार तो बहुत पुराना हो गया यह मिला है सोनभद्र से ध्यान रखना 72 का डी 73 सॉरी देखिए कौन सा कथन सही है गंजारी क्रिकेट स्टेडियम के संदर्भ में देखो पहला है तेईस सितंबर दो हजार तेईस को पीएम मोदी ने वाराणसी के गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया ये बात बिल्कुल सही है ठीक दूसरा आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में लगभग साढ़े चार सौ करोड़ रुपए की लागत से तीस एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा यह भी सही है और तीसरा बीसीसीआई इस स्टेडियम के निर्माण में तीन सौ तीस करोड़ रुपए का निवेश करेगा यह भी ठीक है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आगे देखो अच्छा यहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस स्टेडियम में लगभग तीस दर्शक जो है बैठ पाएंगे एक बार में और इस स्टेडियम का जो डिजाइन है भगवान शिव को समर्पित है मतलब शिव के आकार का या उनके डमरू का या उनके त्रिशूल के आकार का स्टेडियम बनेगा 84 देखो उत्तर प्रदेश में पशुधन तथा दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल ने लंपी के रोकथाम के लिए एक माह में कितने वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं लंपी वायरस अभी फैला था ना जानवरों में गाय भैंसों में जो है फपोले पड़ जाते थे है ना आपने देखा होगा बड़े बड़े फपोले गोल गोल मतलब बिंदी जैसी बड़ी बड़ी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती थी तो उसको रोकने के लिए यह आदेश दिया गया था इसका करेक्ट आंसर है एट्टी फोर का डी एक करोड़ रुपया मतलब एक करोड़ रुपया नहीं सॉरी एक करोड़ वैक्सीन हर महीने लगाने का निर्देश दिया था एक करोड़ वैक्सीन हर महीने जानवरों को लगाई जाएंगे एट्टी फाइव देखिए सितंबर दो हजार तेईस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई एट्टी फाइव का करेक्ट आंसर है एक सौ सात एक सौ सातवीं जयंती मनाई गई एट्टी सिक्स देखिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ किया तो आजाद गैलरी का जो शुभारंभ है साथियों ये किया गया ऑब्वियस है इलाहाबाद से ही जुड़े हैं आजाद चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनका जो है उनको शहीद किया गया था तो वहीं पे देखो यहाँ पे ये भी लिखा है कि आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद संग्रहालय में नवनिर्मित आजाद विथिका में स्वंता संग्राम सेनानी आजाद की पिस्तौल बमतुल बुखारा को स्थापित किया है उनकी पिस्तौल रखी हुई है मैं इलाहाबाद में था तो मैंने इसको देखा था है ना जो जो आपका अल्फ्रेड पार्क है उसी के पास ये जो म्यूजियम बना हुआ है काफी अच्छा है आगे देखो उत्तर प्रदेश वर्ष दो में जीएसटी जमा करने के मामले में जुलाई में जीएसटी जमा करने के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है जुलाई में जीएसटी कलेक्शन में सबसे आगे कौन सा शहर है आपको बताना है 87 87 का करेक्ट आंसर है बी मुरादाबाद मुरादाबाद ने सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया स्पेशली जुलाई मंथ में ध्यान रखना ये पूरे की बात नहीं हो रही है केवल जुलाई की बात हो रही है सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किस तरह मतलब सितंबर 2023 में केंद्र सरकार की तरह किस राज्य सरकार ने सचिवालय डेस्क ऑफिसर प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है तो ये शुरू किया है अपने यूपी ने ध्यान रखना ठीक है हाँ सचिवालय डेस्क बनाई जा रही है कहाँ पर यूपी में आप चाहो तो इसको पढ़ लो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं एट्टी सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है नब्बे देखिए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों में सप्ताह में कुल कितने घंटे क्लास लगाने की संस्तुति की गई है तो केवल उनतीस घंटे जो है आपको बच्चों को पढ़ाई करवानी है पूरे सप्ताह में ठीक है ध्यान रखना यानी पर डे जो है करीब करीब चार चार घंटे के आसपास आपको मतलब चार क्यों और और थोड़ा ज़्यादा ही हो गया ये है ना पाँच घंटे के आसपास हो गया ठीक है पाँच से थोड़ा ही कम साढ़े चार पाँच के आसपास हो गया आपको इतना जो है बच्चों को इतनी पढ़ाए नाइंटी वन देखिए तेईस सितंबर दो हजार तेईस को पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में कहां पर अटल आवासीय विद्यालयों का लोका, सोलहविद्यालय नहीं सोलह अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण नाइन्टी वन करेक्ट आंसर है वाराणसी में कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो है अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे इनमें बच्चों को जो है पढ़ाया जाएगा ऐसे बच्चों को खासकर जिनके माता पिता कोविड नाइनटीन में एक्सपायर हो गए आगे देखो नाइनटी टू इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है सितंबर 2023 को योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर बी पैक्स सदस्यता महाअभियान दो हजार का शुभारंभ किया सही बात है दूसरा इस महाअभियान 30 सितंबर 2023 तक पूरे प्रदेश में इसे आयोजित किया जाएगा और तीसरा बी पैक्स का अर्थ साधन सहकारी अभियान से है तथा बी पैक्स सहकारी समिति का अभिन्न हिस्सा है ये भी ठीक है तो इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है ये तीनों ही सही है नाइनटी फोर देखिए दो हजार उन्नीस से दो हजार तेईस के बीच पांच साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश में कितने गुना वृद्धि की है एफ डी आई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो विदेशी लोग यूपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके मामले में तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फोर चार गुना हमने वृद्धि कर ली है ठीक है ये यहां पर जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप चाहे तो इसको देख सकते हैं ठीक देख लो थोड़ा सा 2019 से 2023 के बीच पांच साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने आंध्र प्रदेश पंजाब केरल चंडीगढ़ प्रदेश सहित 22 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है अक्टूबर 2019 से जून 2023 के बीच अलग अलग राज्यों से आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सूची में उत्तर प्रदेश ग्यारहवें स्थान पर है 94 फोर देखिए सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा अंगदान पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ किया तो अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन आगरा में किया गया ऑप्शन ए 95 देखिए सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया इकतालीस पिचासी चौरानवे एक तो इसका जो करेक्ट आंसर है 95 का वो है साथियों सी 94 फोर चौरानवे शिक्षकों को सम्मानित किया गया कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है यहां पर आप इसे चाहें तो देख सकते हैं ठीक बी के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन की बात है तो फिर आपको पता होना चाहिए नाइन्टी सिक्स देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए प्रदेश के कितने नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने जा रही है तो कितने नगर निगमों में अब ई बसें चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी 96 सिक्स देखिए तो 96 सिक्स का करेक्ट आंसर है डी सत्रह नगर निगमों में ई बस चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बस 97 सेवन देखिए कौन सा सही है बाईस सितंबर से, से दो अक्टूबर दो हजार तेईस तक बीसवां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया गया था यह भी सही है और यह भी सही है इनमें से कोई गलत नहीं है 98 देखो उत्तर प्रदेश में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय अभी ये तो हमने ऊपर ही देखा शौर्य संग्रहालय कहां बनेगा लखनऊ में बनेगा नेवी का देखा था कि नहीं ऊपर अभी देखा था हमने इसको नाइन्टी नाइन देखे तीन शहरों में उत्तर प्रदेश के तीन यूनिटी मॉल की घोषणा देने के बाद इन पर काम शुरू हो गया है कहाँ बनने जा रहे हैं यूनिटी मॉल आपको बताना है तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट uh, आंसर है वो है ए लखनऊ में बनेगा एक यूनिटी मॉल आगरा में बनेगा और वाराणसी में बनेगा यूनिटी मॉल में मिलेगा क्या वो भी देख लो यूनिटी मॉल में आपको क्या मिलेगा इसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ओडीओपी ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा और uh, सही है बढ़िया बात है लोकल फॉर वोकल की थीम पर आधारित होगा और लोकल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा और इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर सौ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किस उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के किस शहर में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा तो भैया कहाँ बनेगा वाटर यूनिवर्सिटी तो ये बनेगा हमीरपुर में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है जल विश्वविद्यालय तो दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण हमीरपुर जिले में किया जाएगा तो टोटल 300 क्वेश्चन की सीरीज है इसका पहला पार्ट है दूसरा पार्ट ला करके हम और 100 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे मिलते हैं साथियों अगली क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम